दोस्तों, एक तरफ हमारी पूरी दुनिया के ऊपर इल्यूमिनाटी जैसी कंपनियां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाना चाहती हैं, और भारत के बड़े बड़े मंत्री, रईस, अमीरजादे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपने इस लड़के को देखा, इस लड़के को यहाँ पर सिख बनाकर, सरदार बनाकर, पंजाबियों का लड़का बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। जब आप इसको बहुत ही बारीकी से, ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके सर के ऊपर एक जूड़ा दिखाई देगा। ये जूड़ा एक नकली जूड़ा है। इसके सर के ऊपर टोपी रखी गई है। टोपी के ऊपर इसने एक पटका बांधा हुआ है, कपड़ा बांधा हुआ है, जिसके नीचे लगता है कि जूड़ा किया हुआ है। लेकिन इस लड़के की हरकतें पंजाबियों वाली नहीं, इसके हाथ में कड़ा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी सिख पंजाबी इस प्रकार से, सरदारों का लड़का इस प्रकार से इन मुगलों के साथ जाके अपनी छाती नहीं पीटने वाला है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लिप है, ये जो फोटो है, इंटरनेट के ऊपर वायरल की जा रही है, नकली है, झूठी है, केवल बदनाम करने के लिए है। किसी ने केवल या तो कोई वीडियो या ब्लॉग शूट करते हुए इस प्रकार से अपनी रूपरेखा बनाकर इस प्रकार का कोई षड्यंत्र खेला, या किसी का वीडियो हो सकता है, या हम इसको एक नकली और पंजाबी सिख कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि सिख ने इस प्रकार से इस्लाम अपना लिया, वो सिख इन मुसलमानों के साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे छाती पीट रहा है। ये चीज़ बड़ी शर्मनाक है। हमें भी बहुत शर्म आई देखकर कि इस प्रकार से धर्मों को बदनाम करने के लिए काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी संस्थाएं ऐसे लगी रहती हैं। देखो, इस्लाम एक अच्छा धर्म है, हिंदू एक अच्छा धर्म है, पावन धर्म है, इसी प्रकार से सिख भी एक बहुत ही अच्छा और सच्चा धर्म है। जो भी अपने अपने धर्म के अंदर है, वो अपने धर्म के अंदर सच्चा रहे, पक्का रहे। दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर इस प्रकार से अपनी तरफ मत खींचो। पंजाब के अंदर बहुत सारे ईसाइयों ने बहुत सारे सिखों को, पंजाबियों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश की है, जिसमें नरूला जैसे भी काफ़ी सारे लोगों का हाथ है। तो ऐसे में अब वो नरूला शरेआम भागा फिर रहा है और वो लड़की भी फिर रही है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी के धर्म के बारे में गलत और अपशब्द बोलेंगे, या किसी के धर्म को छोटा बताएंगे, तो भगवान आपको छोड़ेगा नहीं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का मोटिव यही था कि ये जो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट डाली जा रही है, बताया जा रहा है कि ये सिख लड़का है, ये सरदार है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ कि ये सरदार भी नहीं है, पंजाब का लड़का भी नहीं है, पंजाबी भी नहीं है, और बल्कि जहाँ तक ये हमारे देश का वीडियो भी नहीं है। और इसके अंदर केवल बदनाम करने के लिए और एक नकली लड़के को खड़ा करके, उसके ऊपर कैप पहना कर, फिर उसके ऊपर एक कोई चीज़ रख के, जूड़े के ऊपर कोई टमाटर या आलू या प्याज रख के उसके जूड़ा किया गया, और उसके बाद ये जो लड़के को यहाँ पर पेश किया गया। जब आप देखोगे किसी सिख का जूड़ा देखोगे, आप पटके वाला, तो देखोगे वो काफ़ी अलग अलग शेप में होता है, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक ही शेप के अंदर है, कि जैसे इसके अंदर कोई की फिक्स चीज़ रखी होती है, वो फिक्स चीज़ आपको यहाँ पर इसके जूड़े में देखने को मिलती है। सो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तकरीबन 250 रुपये किलो उस समय इस सिख योद्धा का तिब्बत के अंदर मांस बिका था। उसका क्या नाम था, आखिर क्यों उसका मांस बिका था? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।